हर बार संडे को ही हाल है और इसमें कम से कम ये 10, 5 या 6 दिन तक ऐसे पड़ रहा था। जब अगली मंडी लगती तो सारा ये इसकी मिट्टी बन जाती है। आज इतना होगा कि कभी कोई कुत्ते ले जा रहे हैं, कोई कुछ ले जा रहे हैं, उठा के वो बाहर को ले जा रहे हैं। आप ये भी देख सकते कि साथ में हमारे एक बोर्ड लगा हुआ, सभी जितने भी पार्षद है उन सभी का लगा हुआ, शोभा बढ़ा रहा है पूरे सोलन की। लेकिन इन लोगों को कूड़े काड़े का तो कोई है नहीं इतना, पर कम से कम जिला प्रशासन को तो चाहिए संज्ञान लेना चाहिए सीको डीसी साहब को, ये जो व्यवस्था है इसकी वो बुरा, बहुत ही बुरा हाल है इसका। पर भी कोई असर पड़ रहा है लोग सवारियों का बुरा हाल है, सबके कपड़े खराब होते हैं, इतना बदबू है, यहाँ खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल है। और हम लोगों का तो इतना समझो ऑटो रिक्शा ऑपरेटर जितने भी चालक हैं यहाँ पर, उनका तो ये हाल है कि वो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन तो क्या मांग करनी है, हमने 500 रुपये और मैंने सोशल मीडिया में खुद सभी को फ़ोन कर करके भी बताना पड़ रहा, लेकिन कोई किसी प्रकार की कोई सुनाई नहीं है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी लोकल है, स्वास्थ्य मंत्री को तो चाहिए कम से कम कि आपके जो सबसे जो मेन एरिया आपका हो उसका ये हाल है। मेरा नाम मोहनलाल है, मैं एक ऑटो चालक हूँ और 30 से 31 साल से मैं ऑटो चला रहा हूँ। यह जो सब्जी मंडी लगती है बस स्टैंड पे जहाँ हमारे ऑटो खड़े होते हैं, नगर निगम जो है इसकी पर्ची काटता है, सफाई कोई नहीं करवाता, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं। हमने कई बार आप लोगों के चैनल से, स्टार्स के चैनल से कई बार ये बात नगर निगम के कानों तक पहुंचाई, पर उनकी कान पे कोई जूं तक नहीं रेंगती। यही प्रशासन का हाल है, ना प्रशासन इस और गौर कर रहा है, क्योंकि इससे जो है खतरनाक बीमारियाँ पैदा हो रही है। सड़ी गली जितनी भी सब्जी है सब यहाँ डाल जाते हैं, जबकि ये सिर्फ किसानों के लिए सब्जी मंडी थी, पर नहीं, यहाँ पर जितने लाले हैं जो अंदर दुकानें लगाते हैं वो संडे को आते हैं, गैर कानूनी बैठ जाते हैं, आके फड़ी लगा के बैठ जाते हैं यहाँ पे। तो प्रशासन को ये चाहिए भी, जिम्मेदार के लिए तो जिम्मेदार बैठना चाहिए और सफाई होनी चाहिए इसकी सबसे ज़्यादा, फिर संडे को उसी दिन सफाई करवाए या तो खुद उठाए वो जो लोग लगते हैं, या फिर जिला प्रशासन या नगर निगम इसकी जो है देख रेख करें।